जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, आपका दोस्त अवर शुक्ला। आज हम पंजाबी सिंगर और बॉलीवुड के स्टार और हम बात करते हैं किंग बलजीत। तो पहले किंग है फिर बलजीत है, या पहले बलजीत है या फिर किंग है, ये हम राज भी जानेंगे। और हम आपको सबसे बड़ा खुलासा हमने कर दिया है कि इन्होंने आज एक फिल्म हस्ती पर इन्होंने अमृतसर की अदालत में केस किया है। तो सर ये बताइए कि केस किन के खिलाफ क्या किया है आपने, पहले यही से शुरुआत हो जाए। मैंने बालाजी टेलीफिल्म से जो खाली नाम बताइए बालाजी टेलीफिल्म और अल्ट बालाजी, और बालाजी टेलीफिल्म के जो फाउंडर हैं श्री जितेंद्र कुमार जी, उनकी वाइफ शोभा कपूर जो MD हैं, और एकता कपूर जो डायरेक्टर हैं, मेन जो प्रमोटर्स हैं, ये सब बालाजी टेलीफिल्म्स और अल्ट बालाजी को चलाती हैं, उनके खिलाफ मैंने केस फाइल किया है। आप गुरु रामदास की बसाई नगरी अमृतसर के रहने वाले हैं? हाँ जी। कहाँ रहते हैं? मैं जी ग्रीनफील्ड में जी कर रहा हूँ। ग्रीनफील्ड में। हरियाली आपके शक्ल में है और आपके जो हरियाली आपके हुनर में है। तो ये बताइए जितेंद्र, वो भी यहीं का लड़का अमृतसर का, जितेंद्र अमृतसर का ही रहने वाले हैं, वही जितेंद्र जो फिल्मों के सदाबहार हीरो सुपरहिट सत्कार योग है जी हमारे, उनकी कोई गलती नहीं है, बच्चों ने गलती की है, मेरी तो उनसे भी ये निवेदन है कि वो हमारे सीनियर हैं और हम उनसे ये निवेदन करते हैं कि आप अपने बच्चों को समझाइए कि अगर हमारे घर के बच्चे ऐसे अश्लीलता फैलाएंगे, गलत हरकत करेंगे, तो हम ही नहीं उनको समझाएंगे तो फिर ये कैसे चलेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हम आपको बता दें, दर्शकों को बता दें, लाइव भारत का सबसे बड़ा खुलासा कि अमृतसर के बॉलीवुड और बॉलीवुड के दो स्टार हैं जी, स्टार तो काफ़ी है लेकिन दो स्टारों के बीच में ये लड़ाई आ गई है। और हम बात करते हैं अमृतसर के रहने वाले यानी कि अमृतसर के जितेंद्र की। जी हाँ, आपने ठीक सुना, बिल्कुल, हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार जितेंद्र। तो जितेंद्र के परिवार से ये मामला जुड़ा है, वो भी अमृतसर गुरु रामदास की बसाई नगरी श्री अमृतसर साहब के थे, और ये भी हमारे गुरु रामदास की बसाई नगरी श्री अमृतसर साहब के हैं। और सबसे बड़ी बात है कि किंग है और बलजीत हैं, तो पहले किंग या पहले बल या पहले जीत? देखिए पहले तो सिंह ही बनता है क्योंकि सरदार हैं तो सिंह है, हमारे गुरुओं ने सिंह दिया है। किंग मेरा जैसे बादशाह, ऐसे एक टैग नेम मैंने लगाया किंग, क्योंकि मैं अपने आप में बादशाह हूँ, ना मैं किसी के अंडर चलता हूँ ना कि मुझे अपने अंडर चला सकता है। अपने आप में बादशाह हैं। तो ये बताइए कि आपको कितने साल हुए यहाँ से बॉलीवुड, यहाँ से जो आपने टिकट या फ्लाइट की टिकट जो आपने ली थी, कौन से सन में ली थी? एक्चुअली मैं 2011 में मुंबई चला गया था। मैं है तो बहुत सारी बातें, लेकिन मैं कभी आपको दोबारा वापस आऊँगा पंजाब तो बताऊँगा। मैंने एक पिक्चर भी बनाई है डॉटर ऑफ पंजाब, जो कि फीमेल फिटिसाइड और ड्रग्स के ऊपर है पंजाब के, वो मेरी 2016 में कंट्रोवर्सी में किसी सरकारों के चक्कर में बैन हो गई थी। तो उसका ये डॉटर ऑफ पंजाब की बात करें तो हम आपका सबसे बड़ा खुलासा कर देते हैं कि ये पंजाब नाटशाला की डॉटर ऑफ बिन, वही कहानी थी जतिंदर बराड़ वाली? नहीं, क्या कहानी थी? नहीं, ये एक्चुअली एक ये था कि एक छोटी बच्ची है, जैसे हमारे चलता है पंजाब हरियाणा में भी पंजाब में भी, कि बच्ची नहीं चाहिए बेटा चाहिए। ओके, तो उसमें मैंने ये बैन किसने लगाया, बैन किसने लगाया? एक्चुअली ये बाद की बातें, चलिए, बैन किसी ने भी लगाया तो आपने हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा? अभी मैं 21 में जा रहा हूँ उन सबके खिलाफ। 21 के खिलाफ? हाँ, 21 में जाएंगे। 21 हैं आप, क्योंकि 17 में पंजाब में इलेक्शन था तो वो उस वजह से मेरी पिक्चर रुकी थी। चलिए, पिक्चर आपकी कोई ना रुके, तो एक आपने फिल्में बनाई हैं, आपने कुछ गाने भी गुनगुनाए। अभी मेरे बॉलीवुड में मेरा नचना गाना हिट हुआ था, तो वहाँ पे दादा साहब फाल्के अवार्ड में भी उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया था। कौन सा गाना? नचना गाना था मेरा, MTV ने रिलीज किया था, नचना गाना मेरा काफ़ी चला था, बॉलीवुड सिनेमा कंपनी मेरी उससे रिलीज़ हुआ था। फिर उसके बाद मेरा पैसा बोलता गाना आया, वो टी सीरीज़ ने रिलीज़ किया, वो भी पंजाब में काफ़ी चला सभी चैनलों के ऊपर। फिर गुरु नानक साहब के बर्थडे पे 550 साल, वो पाकिस्तान में भी चला, यहाँ पे भी चला। बिल्कुल, पंजाब की हंसी पूरी दुनिया में चल रही है, तो आप भी हंसने वाले किरदार भी बनाते हैं कुछ? नहीं, एक्चुअली हंसी में देखा जाए तो दिलजीत हमारे पंजाब का है, वो बॉलीवुड में काम कर रहा है, उससे हसैया और कोई नहीं है। हर एक्टर का एक अलग अलग पार्ट होता है, जैसे बॉलीवुड में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान का। हंसी में कौन? मेरा हंसी में दिलजीत है, मेरा सोशल वर्क में दिलजीत। कपिल शर्मा नहीं? कपिल तो शान है हमारी, कपिल तो है ही। तो कपिल क्या यहाँ आपको हम बताते हैं, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ से ज़्यादा 300 मीटर दूरी पे यही कपिल रहा करते थे किसी ज़माने में। आज उनको, चलो वो पुरानी बातें पर नई बातें आप ये बता दें कि आने वाले 2020 तक, 2020 इलेक्शन, फिल्मों की भरमार होगी, क्योंकि इस समय तो लॉकडाउन ने फिल्मों का, कोरोना ने, इसी बात कोरोना की, कोरोना ने फिल्म इंडस्ट्री और हर चीज़ बंद कर दी है, ठीक है, फिल्में नहीं आ रही हैं, तो 2020 में इलेक्शन है, तो जो आपकी इतनी आप करते हैं, अपने विचारों की शहादत देते हैं, आपको शहीद होने का, आपको ये मन में इच्छा थी कि आप शहीद हो जाएं और आपको दुश्मन की गोली लगे और आप शहीद हो जाएं, ये मन में था,
खैर वो मन में हसरत पूरी नहीं हुई और आप बॉलीवुड से बाद में बॉलीवुड चले गए। तो बात क्या मैं करता हूँ आपको, मैं ये बताता हूँ, ये बताइए कि हसरत क्या है, 2020 यहाँ इलेक्शन है तो कुछ करना है, क्रांति लानी है, कैसे क्रांति लाओगे? देखिए जो देश का जो सिस्टम है ना, हमारे बड़ों ने भी लड़ा है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उधम सिंह, सब लोग लड़ते आ रहे हैं। जैसे जैसे हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि कहीं पे भी कुछ गलत हो और हमें आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए उसके खिलाफ़। अगर हम गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, देश में आवाज़ जाएगी, ज़मीर ज़िंदा होगा तो 1 से 10 लोग जागेंगे तो ही इन लोगों को पूछ सकेंगे, नहीं तो अगर कोई आवाज़ ही नहीं उठाएगा तो फिर। चलिए आपने अभी तक आवाज़ें उठाई हैं, पर जब जब आवाज़ें उठाई हैं आपने इसी परिवार के खिलाफ उठाई हैं, इसकी कोई वजह? नहीं, मैंने एक्चुअली इस परिवार के खिलाफ इसीलिए उठाई है मैंने आवाज़ की, जो एकता कपूर की जो पूरी की पूरी टीम है ना, वो ये सोचती है कि अगर किसी को कुछ भी दिखाना तो सेक्सुअल तरीके से दिखाओ, ये हमारे देश में नहीं चलता। आपको तो पता है हमारा धार्मिक कल्चर का देश है, हमारे बहन बहू बेटियाँ, आप मुझे बताओ कि अगर हम ऐसी मूवीज़ कोई आती है तो हम लोग अपने माफ़ कीजिएगा ये बताइएगा, फिल्मों में जो अश्लीलता दिखाई जाती है, सेंसर कहाँ है आपका, सेंसर बोर्ड कहाँ है आपका? सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट रखा हुआ है उनके लिए अलग से, पोर्न मूवीज़ वो कहलाती है, वो भी बैन होनी चाहिए। मेरी प्रधानमंत्री जी से भी अपील है कि हमारे इंडिया में आपने इंटरनेट भी खुला छोड़ रखा है, 10 साल के बच्चे भी कुछ भी आज की डेट में देख सकते हैं, तो आपको इन रोग चीज़ों के ऊपर जो पोर्न मूवीज़ हैं, जो पोर्न साइट्स हैं, इन सब के ऊपर बैन लगना चाहिए, हमारे देश में तो नहीं ये होना चाहिए, तो इन सब पर बैन लगना चाहिए। और ये थे बॉलीवुड बॉलीवुड के सिंगर और एक्टर भी, तो और हम आपको बताएं कि ये हमारे साथ इन्होंने लाइव भारत पर हमसे स्पेशल बातचीत की। अब बने रहें लाइव भारत पर, जय हिंद जय भारत।